Hello children, this is chapter number 10, air pressure and wind, and today's topic is factors affecting air pressure. In the previous video we have studied about the meaning of air pressure, and now today factors affecting the air pressure. The air pressure is not the same everywhere. It is the highest near the surface of the sea. The air pressure near the surface of the sea is approximately 1013 millibar. The main factors affecting the air pressure are as follow. Air pressure जो होता है बच्चों वो हर जगह पर एक सा नहीं होता है. जो सी की सरफेस होती है उस जो सी के पास में जो सरफेस होती है वहां पर यह हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है. वहां पर यह लगभग 1013 मिलीबार तक मेजर किया जाता है. कुछ मेन फैक्टर्स हैं जो कि एयर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं वो नीचे दिए गए हैं. सो लेट्स रीड अबाउट देम. हाइट फ्रॉम द सी लेवल. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द हाईएस्ट एट द सी लेवल. एज वी मूव हायर फ्रॉम द सी लेवल द डेंसिटी ऑफ एयर रिड्यूसेस सो दैट इट बिकम्स लाइटर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिड्यूस्ड. दैट इज वाई ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड एट ग्रेट हाइट्स ऑन द mountains. Then temperature. With the rise in temperature, air expands, become lighter and rises up. The weight of air is reduced due to this. As against this, with the fall in temperature, air becomes heavy and therefore the atmospheric pressure rises. Besides this, the rotation of the earth and exportation also affect the air pressure. So students, sea level से जो height होती है उससे air pressure को measure किया जाता है. तो atmospheric जो sea level पर जो हमने बताया भी कि atmosphere जो pressure होता है वो highest होता है. फिर जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, सी लेवल से ऊंचाई पर जाते जाते हैं, जो एयर की जो डेंसिटी है वो रिड्यूस होती जाती है और इस तरह से उसका जो प्रेशर है वो भी कम होता जाता है. इसलिए जब हम ऊपर जाते हैं, माउंटेन्स पर जाते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की वहां कमी लगती है और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर जो है एक्सपेंड हो जाती है और इस तरह से वो हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठने लगती है. इसके कारण जो एयर का जो वेट होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. और इसके अपोजिट यदि जो टेम्परेचर है यदि वो डाउन होता है, गिरता है, तो जो एयर है वो हैवी हो जाती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है. इसके साथ साथ अर्थ का जो रोटेशन है वह भी एयर प्रेशर को अफेक्ट करता है और एवोपोरेशन जो होता है वाटर का वो भी एयर प्रेशर को अफेक्ट करता है. एयर प्रेशर बेल्ट्स. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट द सेम एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस. जनरली एयर प्रेशर इज क्लासिफाइड इनटू हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर. द एयर प्रेशर इज मोर व्हेन द एयर इज कोल्ड व्हाइल it is less when the air is hot. The four pressure belts of the earth are as follows. Equatorial low pressure belt 0 degree to 10 degree in the northern and southern hemisphere. Subtropical high pressure belt 30 degree to 35 degree in the northern and southern hemisphere. Subpolar low pressure belt 45 degree to 65 degree in the northern and southern hemisphere. Polar high pressure belt 85 degree to 90 degree in the northern and southern hemisphere. So students, air pressure के कुछ belts होते हैं, इन्हें हम हिंदी में वायु दाब की पेटियां कहते हैं. तो आपको जैसे हमने पहले बताया कि जो एयर प्रेशर वो हर जगह पर अर्थ के कई जगहों पर से हर जगह पर एक सा नहीं होता है, अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग होता है. जनरली इसी टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक तो हाई प्रेशर एंड दूसरा लो प्रेशर.
अब जहां पर गर्म हवाएं होती हैं वहां पर जो एयर प्रेशर है वो कम होता है, और जहां पर कोल्ड वेदर होता है, ठंडी हवाएं होती है, वहां पर एयर प्रेशर ज्यादा होता है। तो इसकी जो फोर बेल्ट इसको इसके माने गए हैं, सबसे पहला तो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 0 डिग्री टू 10 डिग्री। यह जो है 0 डिग्री टू 10 डिग्री, यह कहलाता है निम्न वायुदाब की पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट कहलाता है, और ये नदर एंड सदर हेमिस्फीयर में होता है। उसके बाद उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां 30 डिग्री से मीन्स सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री टू 35 डिग्री, और यह भी कहाँ होगा, इन द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। देन सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 45 डिग्री टू 65 डिग्री। तो यह जो है, यह सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है, यह भी आपका ये कहलाता है उपध्रुवीय। सब पोलर मीन्स उपध्रुवीय, और निम्न वायुदाब पेटियां कहलाता है, बेल्ट मीन्स पेटियां। दोबारा ये हिंदी का बताने की जरूरत नहीं है। देन पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, दिस इज 85 डिग्री टू 90 डिग्री इन द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। नाउ विंड, सो वी विल स्टडी अबाउट विंड इन द नेक्स्ट वीडियो।